नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रॉय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात करें मोशन इन प्लेन की टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो 100 क्वेश्चन होंगे अपने, वो बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट हर टाइप की शीट के, हर टाइप की बुक के। तो ये जो आपके काम आएंगे, आप 11th के बच्चे हो, आप 12th के बच्चे हो, या फिर आप नीट और जेई या कोई और कॉम्पिटिशन एग्जाम देना चाहते हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत काम के क्वेश्चन है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। और शेयर जरूर करें ताकि अपना भला तो हो ही, बाकियों का भी भला हो सके। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला बेटा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 5 पर हम है, अभी हमने स्टार्ट किया है। तो अभी हम चुन्नु मुन्नु क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, बाद में आपको और अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे। वैसे ये जो क्वेश्चन है, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक। तो क्या बोला गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, है ना। मतलब ये यहाँ पर आपसे बोला गया बेटा कि एक जो पॉइंट है वो क्या है, ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है इस, और आगे आपसे बोला गया कि भाई ये जो पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है। व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब ये आधा घूमा है, जो व्हील है वो अपना कितना घूमा बेटा, हाफ मूव किया वो, है ना, और यहां पहुंच गया इसका बी पॉइंट, ठीक है। जब ये यहां पर पहुंच जाएगा तो आपसे क्या पूछा है कि टेक द रेडियस ऑफ द व्हील एज आर। तो रेडियस ऑफ द व्हील जो मान लिया बेटा हमने, वो माना कि भाई ये जो ये सेंटर हो गया, तो रेडियस हो गई इसकी आर हो गई, तो ये भी आर, मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये इससे सी पॉइंट मान लेते हैं, तो सी और बी जो है वो कितना होगा बेटा, 2 आर डायमीटर, ठीक। ये बी पॉइंट है हमारा यहाँ पे। तो क्या बोला गया कि टेक द रेडियस ऑफ द व्हील एज आर, द एक्स एक्सिस एज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो हमसे पूछा गया भाई यहाँ पे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। क्या पूछा हमसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अपन ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। सपोज मान लेते ये जो है, ये इसको अपन ने थीटा मान लिया बेटा, ए सी जो है वो एक्स मान लिया, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए, और ये मान लिया मैंने इसको वाई मान लिया, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 2 आर। सिंपल सा अगर समझे तो ये जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी कितनी बेटा, अगर ये हाफ सर्कल घूमा है ना, तो इसका डायमीटर 2 आर के बराबर हो गया, और इसकी सरकमफेरेंस जो हो गई, सरकमफेरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, वो कितनी होगी बेटा, 2 पाई आर। तो हमको जो एक्स है वो कितना है, c/2, सरकमफेरेंस का हाफ, मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर/2 बेटा, मतलब पाई आर। ठीक, इसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू अगर लिखें तो ये हो जाएगा बेटा एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी मेरी, पाई आर, ठीक। और ये हो गया 2 आर। तो क्या मैं ए भी निकाल सकता हूँ? हाँ, सिंपल तरीके से ए भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए भी निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा अपना पास, तो आर बाहर आ जाएगा बेटा, अंदर बचेगा अपने पास π² + 4, ठीक। ये आ जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट ए बी। अब अगर सपोज मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कि एंगल कितना होगा या कितना एंगल पर वो घूमेगा। तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा लिखता हूँ बेटा, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी y/x, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स y/x, और y इक्वल टू बेटा 2 आर, और x जो है मेरा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर, ठीक। आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी टेन इनवर्स 2y π। ये चीज जरूर ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन अपने को ध्यान में होने चाहिए कि किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। तो सिंपल से कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मान लो कि इसी सर्कल को वो और आपको घूमने आने को बोलता, ठीक, सपोज मान लो उसकी सर्कमफेरेंस का 3/4 वो घूमता, तो पॉइंट ये वाला जो पॉइंट होता वो टॉप पर चला जाता बेटा, है ना। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आपका, ये जो एक्स है इसमें और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता, तो कि ये कितना आ जाता भाई, यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस है उसका कितना, 3/4 अपने पास
ये मूव किया होता है ना, 1/2 नहीं होता, ये कितना हो जाता, 3/4 हो जाता। अगर मान लो इससे ज्यादा घुमाया दिया जाता तो वो भी अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई बड़ी बात नहीं है, अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सुकून से पहले इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करें। ये मान लो ये वी से मूव कर रहा था और ये सेंटर हो गया, ठीक, आगे भी ये मूव कर सकता है जितना चाहे उतने रिवोल्यूशन ये कर सकता है। हम इसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, ये जितना आगे तक घूमता जाएगा इसकी थीटा में उतना ही वेरिएशन आएगा। तो ऐसा नहीं कि ये जो मैंने करवाया ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एटलीस्ट आप इस लेवल के क्वेश्चन तो अभी करें, क्योंकि आगे जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो 250 क्वेश्चन मिलेंगे, तो सॉल्व करें और मस्त रहे।